हवाकोल पंचायत के अंतर्गत कबीर चौक में और हमारे बीच कुछ लोग लोकसभा चुनाव के बारे में जानकारी प्राप्त करें कुछ लोगों से अभी हम मौजूद हैं। चाचा की नाम से तो माजुद्दीन साहब, अगला लोकसभा कुछ दिन बाद एक डेढ़ महीना बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है, की ख्याल से तो तुम सारी देर? हाँ, हमारा अख्तरुलीमा में साथी साथी अच्छा लगा तुम्हारा? अच्छा लगा, बोली चाली व्यवहार बोली चाली अच्छा लगा। हर वक्त साथ दो। अच्छा, हर वक्त साथ दो। अच्छा, किला अगर वहाँ जीते आते तो हृदय का समस्या दूर हो जाए। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के बारे में क्या ख्याल है? बस बिल्कुल, हम लोग अख्तरुल ईमान के ही हैं। क्या किसकी उसकी खासियत कौन सी अच्छी लगती है आपको? बहुत अच्छे, उसका बहुत अच्छा लगा, सबकी स्वभाव भी अच्छा है, बहुत बातचीत में। अच्छा, जो हो जाए स्वभाव अच्छा रहने से होगा ना, काम भी करने वाला आदमी है, काम करने वाला, हर चीज बोल वाला, हर चीज है उसके अंदर। लोग हम लोग जो क्षेत्र में जाते हैं, बहुत लोगों का कहना है कि इस बार जैसे भाजपा सरकार है, इस बार भी हम लोग भाजपा को ही वोट देंगे, मतलब क्या ख्याल है आपको? नहीं, हम लोग तो यही है, अख्तरुल ईमान की पार्टी है। क्या लग रहा है अगर सिर्फ आप वोट दे देंगे या कुछ वोट देने पर अख्तरुल ईमान? नहीं, बहुत जगह हम लोग बोलते भी है, रिश्तेदार के पास भी जाते हैं, हर जगह कहीं भी जाते हैं, तो अख्तरुल ईमान ही क्या बात सुन लें, उसी को वोट देंगे। फाइनली आप अख्तरुल ईमान साहब के साथ देश विकास जो करेगा उसी को वोट देंगे। तो धन्यवाद देते लीला देवी, जिन्होंने कहा कि मुझे हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष भावना से हमारे समाज के लिए, हमारे इलाके के लिए जो भला करेगा उनको हम बिल्कुल दल बल की से ऊपर उठ करके, पार्टी से जात पात से ऊपर उठ के वोट दे करके कामयाब करेंगे। खैरागंज प्रखंड अंतर्गत हवाकोल पंचायत के कबीर चौक में और लोकसभा चुनाव के बारे में लोगों से जानकारी। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर रोशन साहब, आगे लोकसभा चुनाव के बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले की बात यह है कि अख्तरुल ईमान प्रणाली का एजुकेटेड आदमी है और वो बोलबाला है, उसके अंदर ये नहीं कि एक रुपये वो अपने क्षेत्र में जीता है, उससे पहले MLA तो उसके 2-3 बार रहा है, वहाँ विकास का काम बहुत ज़्यादा हुआ है और उसके अंदर बोली है, सलाहियत भी है, काम करने की क्षमता भी है और जहाँ भी वो बोलते हैं तो उनकी भाषण से ये मालूम होता है कि उनके अंदर बहुत बड़ी जिज्ञासा है। लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी को भी वोट देंगे या नहीं, पार्टी इसको नहीं देंगे, मतलब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आप हर आदमी ये सोचता है जिसके अंदर बोली और जो आगे हमारा कोई भी काम के लिए आगे कुर्सी सोचे कि मेरा बाप दादा परदादा लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देकर के आए, हम लोग भी वोट देंगे, इस नए पार्टी MIM पार्टी को वोट नहीं देंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। पहले के लोग ये सोचते थे, अब लोग ये जागरूक हो चुके हैं क्योंकि वो पार्टी को नहीं, अब विकास का काम को देखना चाहते हैं। धन्यवाद डॉक्टर रोशन साहब, उन्होंने फाइनली कहा कि हम आने वाले इलेक्शन में अख्तरुल ईमान साहब के साथ दल बल से ऊपर उठ करके अख्तरुल ईमान की खासियत को देखकर उसे वोट करके पार्लियामेंट भेजेंगे। और हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, बात करेंगे, तो आपका नाम क्या है, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे? हमारा नाम दीपलाल ऋषिदेव है। दीपलाल ऋषिदेव, कुछ दिन बाद 30-35 दिन बाद यहाँ पर MP का वोट होने वाला है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, किसको वोट देने से अच्छा रहेगा? जो मतलब चला रहा है बढ़िया तरह से, अच्छा, उसी को वोट नहीं दिया जाएगा। जो अच्छा तरह से चलाएगा उसी को दीजिए, उसी को देंगे ना। अगर जो खराब तरह से चलाएगा तो उसको नहीं देंगे। अच्छा, अगर देख रहे हैं News 24 टेरागंज, मैं नाकिर आलम और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीडिया प्रभारी अबू फरहान छोटू साहब। अभी हम लोग चुनाव के बारे में लोगों से राय जान रहे हैं, अभी किशनगंज जिला अंतर्गत टेरागंज प्रखंड के हवाकोल पंचायत के कबीर चौक में मौजूद है और लोगों से राय जानना चाहेंगे कि अगला लोकसभा चुनाव में क्या लोगों का रुझान हो पाता है। तो हमारे साथ चाचा जुड़े हुए, आपका नाम क्या हुआ? साले बख्तर साहब, अगला लोकसभा चुनाव में आपका क्या ख्याल है, किसके किसके तरफ आप हैं? किसके तरफ, कांग्रेस के तरफ, भाजपा के तरफ, MIM के तरफ? MIM के कैंडिडेट अख्तरुल ईमान साहब हैं आपके क्षेत्र से और कांग्रेस और भाजपा वाले ने टिकट की अभी घोषणा नहीं की है, फिलहाल अख्तरुल ईमान साहब को ही आप कामयाब करेंगे। टेढ़ागाज प्रखंड अंतर्गत हवाकोल पंचायत के कबीर चौक में और हमारे बीच एक महिला साथी मौजूद है, वो अपने बारे में कुछ बयां करने वाली है। साथी की नाम से तो मीला देवी, कुछ दिन बाद यहाँ MP इलेक्शन होने वाला है, बार बार तो की ख्याल काक भट्टा जी, वो दिल्ली अच्छा है अपना देश विकास कर दे, अपना देश विकास कर दे, फिलहाल तो इधर किसान लोग बोल दे, वोट इंदिरावास मिले तो नहीं मिलिया है, बाकी इधर वृद्धा पेंशन वगैरह नहीं मिलो, कुछ नहीं मिलो, सरकार से की चाची या फिर तो का जीता ले तो फायदा हवा सको इधर जी, अपना देश ही करवे काम करवे वहाँ के दुबने है, यानी कि जो तरक्की करवे वहाँ के दुबने है, और फिलहाल तिकारो नाम जाने वक्त दिले अच्छा है, नहीं कारो नाम नहीं जानो ही हमरा, तो यानी कि तोर घर की है खजुरबाड़ी येड़ा पंचायत हो, हाँ, हवाकोल पंचायत हो, तो इस हिसाब से पहले